अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा टीवी। दोस्तों, दुनिया में कामयाब वही है जो सबसे मुनफरिद काम करे और अपने डिज़ाइन से लोगों को हैरान करे। नाजरीन, आपने बहुत सी महंगी और ख़ूबसूरत कार्स देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा अनयूजुअल कार्स के बारे में बताऊँगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली अनयूजुअल कार का नाम है सबमरीन कार। दोस्तों, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग सबमरीन के बारे में जानते होंगे। ये एक मिलिट्री व्हीकल है जो कि समुंदर की गहराई में सफ़र करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी कार दिखाएंगे जो समुंदर में चलती है। ये जो सपोर्ट कार आप देख रहे हैं, इसको देखकर कोई इंसान जज नहीं कर सकता। इस कार के फ्रंट में दो वाटर जेट्स लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये कार पानी में चलती है। ये अनयूजुअल कार 30 फीट गहरे पानी में भी चल सकती है और आप एक घंटे तक ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हैं। और इस कार की प्राइस तकरीबन $2 मिलियन है। अगली अनयूजुअल कार का नाम है ब्रज मोपिता। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे, कुछ सालों पहले टाइनी और 3 टायर्स वाली कार बनाई जाती थी। ये जो अनयूजुअल कार आप देख रहे हैं, ये दुनिया की बनाई जाने वाली सबसे छोटी कार है। इस कार को एक डिज़ाइनर ईगन ब्रंच ने 1956 में डिज़ाइन किया था। दोस्तों, ये कार इतनी छोटी होने के बावजूद 50 किलोमीटर तक की स्पीड में चल सकती है। ये कार सिर्फ 6 फीट लंबी और 3 फीट ऊंची है और इसके अंदर मुश्किल से सिर्फ एक शख्स बैठ सकता है। और इस कार में 50cc का इंजन लगाया गया है। दोस्तों, उस टाइम पे इस कार की प्राइस तकरीबन 200 पाउंड्स थी, लेकिन आज के दौर में ये कार नायाब होने की वजह से 1,00,000 पाउंड से ज़्यादा की मालियत रखती है। अगली अनयूजुअल कार का नाम है मिनी ट्रॉय ट्रक। दोस्तों, ट्रक लार्ज व्हीकल में से है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो इन ट्रक्स के मिनी वर्जन्स बनाती है। दूर से देखने पर यह लार्ज ट्रक लगता है, लेकिन इसे आयरलैंड की एक कंपनी ने बच्चों के लिए बनाया है। इसकी टॉप स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और स्टार्ट करने पर यह ट्रक एक असली हैवी वेट ट्रक की तरह आवाज़ देता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। अगली अनयूजुअल कार का नाम है बेजर असॉल्ट टैंक। दोस्तों, टैंक्स की बात करें तो इंसान के दिमाग में एक हैवी व्हीकल आता है, क्योंकि ये आर्मी की सबसे ज़्यादा पावरफुल कामों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा टैंक देखा है जिसे देखते ही ऐसा लगता हो कि किसी बच्चे का टॉय टैंक है? लेकिन आपको बताता चलूं कि ये एक रियल और फुली सपोर्टेड टैंक है। इसको आर्मी की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया। सबसे मज़े की बात कि ये टैंक बुलेट प्रूफ और स्मॉल अटैक्स भी करता है। इस टैंक का साइज़ सिर्फ 3.3 फीट होता है और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगली अनयूजुअल कार का नाम है रेविया। दोस्तों, कार मैन्युफैक्चरर्स हर साल डिफरेंट स्टाइल्स में कार बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिज़ाइंस बुरी तरह फेल हो जाते हैं और एक अनयूजुअल चीज़ बन जाती है। ये जो यूनिक और छोटी कार आप देख रहे हैं, इसको बनाने वाली एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, जिसने 2001 में ये कार्स बनाना शुरू की। ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती है। ये कार एक बार कंप्लीट चार्ज होने के बाद तकरीबन 65 किलोमीटर तक चलती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर तक है। जब ये कार बनी थी, तब इसे अनयूजुअल लिस्ट में टॉप 5 पर रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद इस महिंद्रा कंपनी ने 2012 तक इसको सेल किया और तकरीबन 4700 ऐसी कार्स वर्ल्ड वाइड सेल की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।